वेलकम टू माई चैनल। मैकेनिक्स के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ था, मोशन एंड फोर्स का सब टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके फिजिक्स के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज हेल्प करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं तो आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टू, द फोर्स विच प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज इक्वल टू। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन गिवन है और मास गिवन है। तो सेकंड लॉ न्यूटन अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका राइट आंसर बनेगा 1 N अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, द लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज़, मतलब कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड नहीं करते, ओबे नहीं करते किस सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम कैसा हो कि जिसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डी इज़ द राइट आंसर। तो जो राइट आंसर है उसी को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो ऑल ऑप्शंस को रीड करें केयरफुली, देन मोस्ट क्लोज आंसर को टिक करें। क्वेश्चन नंबर फोर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशन बिटवीन द, मोशन के जो लॉज हैं ये रिलेशनशिप देते हैं, तल्लक देते हैं किन के दरमियान। द राइट आंसर इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स, इनर्शिया को किस टर्म में मेजर करते हैं? किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है, बेसिकली इनर्शिया किसी बॉडी का मास इनर्शिया कहलाता है। सो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो सो इनर्शिया को इन टर्म ऑफ द मास, सी इज़ द राइट आंसर, किलोग्राम में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन, द डायमेंशंस ऑफ द वेट आर, वेट की डायमेंशंस क्या हैं? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट न्यूटन होता है, लाइक दैट फोर्स। सो डायमेंशंस ऑफ वेट सिमिलरली एज द फोर्स, सो MLT-2 वेट इज इक्वल टू MG होता है। यहाँ से भी डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, नो बॉडी बिगेन टू मूव आर कम टू रेस्ट ऑफ इट्सेल्फ, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द, दिस इज स्टेटमेंट फेमस फिलासफर अबू अली सीना, अबू अली सीना, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, द डायमेंशंस ऑफ द लीनियर मोमेंटम, सॉरी द डायमेंशंस ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब वही है जो हम सिंपली एक्सेलरेशन, सॉरी द डायमेंशंस ऑफ लीनियर इनर्शिया, इनर्शिया किसी बॉडी का मास इनर्शिया कहलाता है। तो लीनियर लीनियर इनर्शिया का मतलब ये होता है बेसिकली यहाँ पे कि जो हम सिंपली इनर्शिया की बात कर रहे होते हैं, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे सर्कुलर मोशन में, आई इक्वल टू MR² वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे लीनियर इनर्शिया है, इसका मतलब होता है मास। तो इसकी डिमेंशन क्या होगी? तो हमें पता है मास होता है किलोग्राम इसका यूनिट, तो इसलिए इसकी डिमेंशन होगी MLT-0, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये लीनियर इनर्शिया है, ठीक है, इसको आपने केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s² इन अ बॉडी ऑफ द मास 0.5 kg इज, तो सिंपल न्यूटन लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू एम ए, मास यहाँ पे 0.5 गिवन है, एक्सेलरेशन 10, मल्टीप्लाई करेंगे 5 N इज़ द राइट आंसर, सी।
5 newton force. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 12. ए सेम फोर्स एफ इज अप्लाइड रिस्पेक्टिवली टू ऑन टू डिफरेंट मैसेस M1 एंड M2 मूविंग विद एक्सेलरेशंस A1 एंड A2 आइडेंटिफाइंग द ट्रू मैस एक्सेलरेशन रेशियो. सिंपल एफ इज इक्वल टू M1 A1 एफ इज इक्वल टू M2 A2. ये दो फार्मूलाज न्यूटन सेकेंड लॉ को कंपेयर करेंगे तो मैस की रेशियो और एक्सेलरेशन की रेशियो फाइंड कर लेंगे. M1 M2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1. नेक्स्ट, क्योंकि मैस और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ए 1 newton फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच प्रोड्यूसेस इट इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second स्क्वायर. द मैस ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का मैस फाइंड करना है यहाँ पे. तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 kilogram. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. ए सर्टेन फोर्स गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 meter per second square टू ए बॉडी ऑफ मैस 10 kilogram. द सेम फोर्स वुड गिव अ 20 kilogram ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square. बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 15. 1 newton इज़ अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meter per second square इन अ बॉडी ऑफ मैस. फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू 1/5, 0.5 kilogram. सो राइट आंसर इसका यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 0.2 kilogram. 1/5 is equal to 0.2 kilogram. क्वेश्चन नंबर 16. पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस आर टर्न आउटवर्ड व्हेन द बस टेक ए सडन टर्न. दिस हैपन टू देम बिकॉज ऑफ, राइट आंसर इज इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 17. ए मैन इज एट रेस्ट इन ए मिडल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द परफेक्टली स्मूथ आइस. ही कैन मूव itself to the shore by making using the Newton third law actions and reactions are equal but in opposite direction. Question number 18. Which following statement या observation या observe are in inertial. A car driver moving with the constant velocity. This is inertial frame of reference. Because there is uniform motion, so no acceleration is produced, A is equal to 0. Question number next, 19. The engine of a car produces acceleration 4 meter per second square in a car. If the car pulls another car of the same mass, what will be the acceleration produces in meter per second square? Formula apply karenge, F is equal to ma, F is equal to ma. तो यहाँ पे फोर्सेस सिमिलर हैं, इक्वल हो जाएंगी. यहाँ पे हम M1, ma, ma, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. वैल्यूज़ को पुट करेंगे 2ma इज इक्वल टू 4m, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 meter per second square एक्सेलरेशन. नेक्स्ट MCQs 20. इफ़ द मैथ ऑफ द बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम्स द, मैथ को डबल करने से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा. एफ इज इक्वल टू एम ए, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम. अब मैथ को डबल करना है तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21. 10 newton and 20 newton forces are acting on a body of the mass 2 kilogram. The minimum acceleration will be the, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे. मिनिमम एक्सेलरेशन कितना फाइंड करना है हमने यहाँ पे देखें, तो इसका राइट आंसर बनेगा 5 meter per second square. R इज इक्वल टू 20 - 10 इज इक्वल टू 10 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ये आ जाएगा. ठीक है, तो इनको फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास आ गया. तो उसके बाद एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू हमारे पास 30/2 = 15 आ जाएगा. तो 10/2 करेंगे तो ए इज इक्वल टू 5 meter per second square. अब तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, 15 तो है नहीं तो 5 आया, तो डी इज़ द राइट आंसर. तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड.